हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 4.5 के बारे में, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमें ड्रॉ करना है स्क्वायर आर ई ए डी, और आर ई हमें दिया हुआ है 5.1। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक हमें दिया हुआ है आर ई, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो उनका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमने चारों साइड्स इक्वल कर दिया, 90 डिग्री का कर दिया। यहाँ पे हमने 90 डिग्री बनाया आर पे और ई पे बनाया, और यहाँ पे 5.1, यहाँ पे भी 5.1, और यहाँ पे भी हमने इनको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो जो चीज़ हमें बनानी थी वो ऑलरेडी बन जाएगी यहाँ पे, और ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1, ये भी और ये भी। तो हमने किया क्या यहाँ पे कि कट कर दिया आर्क 5.1 सेंटीमीटर आर टू ई सच दे इंटरसेक्ट ईच एक्सटेंडिंग फ्रॉम डी टू ए रेस्पेक्टिवली। सो ज्वाइन डी ए, हमने डी ए को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद जो रिक्वायर्ड था हमें स्क्वायर वो उसको हमने बना दिया यहाँ पे, और इस तरीके से ये बन करके तैयार हो गया। अब हमें एक रोमबस बनाना है। रोमबस में आपको पता है कि जो डायगोनल्स दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं, और ये 5.2 है। इसका बाइसेक्ट करेंगे लाइन को सबसे पहले हम, और जैसे ही हम लाइन को बाइसेक्ट करेंगे तो देखिए एंगल बाइसेक्ट, जो लाइन बाइसेक्ट करना होता है हमें किसी भी, तो उसका हाफ से ज़्यादा लेते हैं, और यहाँ से भी हाफ से ज़्यादा लेंगे, और इधर भी हाफ से ज़्यादा, और इस तरह से भी हाफ से ज़्यादा, और ये कर देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यार हमारा ये 6.4 था, तो 6.4 का आधा कितना होगा, 6.4 का आधा होगा 3.2, तो 3.2 इधर भी और 3.2 इधर भी, ये इसको 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 और इसको मिला देंगे। तो जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कंप्लीटली जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आप देखोगे कि बन करके तैयार हो जाएगी। 3.2 3.2 इधर करेंगे हम, तो 3.2 पूरी चीज़ें स्टेप्स में लिखी हुई हैं। बी से सी को ज्वाइन करेंगे, बी से ए को, डी से ए को, डी से सी को, तो ए बी सी डी जो रोम्बस था वो कम्प्लीटली बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसमें एडजेसेंट साइड्स हमें 5 और 4 दी हुई हैं। अगर हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है तो 5 बनाएंगे तो इधर 90 डिग्री का, और इधर 4 बनाएंगे हम, राइट। और रफ स्केचेस बना करके हमें क्या विजुअलाइजेशन में हेल्प मिल जाती है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ भी करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हमने जो 90 डिग्री का एंगल बनाया अगर हमने, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर करेंगे, और यहाँ से फिर हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ए बी सी डी एक लाइन जो 5 सेंटीमीटर का एक ए बी ज्वाइन करने के बाद जो एंगल है वो 90 डिग्री का हम बनाएंगे, और ए और बी ये लाइन सेगमेंट रेस्पेक्टिवली दी हुई है हमें कम्प्लीटली। और इस तरीके से जो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो आर्क दी हुई है, जो कट करने का आर्क हमें दिया हुआ है, कि आर्क को हम कट कर देंगे 4 सेंटीमीटर है। रेज एक्सटेंडिंग ए टू बी, ए टू बी हम एक्सटेंड कर रहे हैं चीज़ों को, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना, ये डी और सी दिया हुआ है। डी और सी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है वो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो ज्वाइन कर देंगे डी से सी को, सी डी को ज्वाइन कर देंगे हम। ज्वाइन कर देंगे तो ये 5, ये 5, ये 4, ये 4 कम्प्लीटली, ये हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं पेरेलोग्राम। अब हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा ड्रॉ करना था एक रोम्बस जिसको हमने ड्रॉ कर दिया, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, और वो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब बारी है पेरेलोग्राम को ड्रॉ करने की। देखिए चीज़ें बहुत आसान होती है, पेरेलोग्राम में लाइन हमारी पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये जो गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पेरेलोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, और इसको फिर हम एक्चुअल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 5.5 लिया, और कन्वीनियंट के लिए हमने यहाँ पे जो पॉइंट ए है इस पे हमने एंगल बनाया यहाँ पे, और फिर 4.5 का हमने एक आर्क लगाया। और जैसे ही हम आर्क लगाएंगे यहाँ पे आप देखोगे 4.5 का दोनों में हमने आर्क लगा लिया है, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। तो ये हमने आर्क लगाया कि यहाँ पे 4.2 का, और यहाँ भी 4.2 का, दोनों में हमने एंगल बनाए थे, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये ओ के ए वाई बन जाएगा कम्प्लीटली हमारे पास एंगल। जब ये ओ के ए वाई बनेगा तो इस तरीके से जो हमें रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम चाहिए वो पैरेललोग्राम हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा। और आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ये वर्क कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने डाउटफुल क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।